हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। विश्व प्रसिद्ध नागौर का पशु मेला आप देख रहे हैं और पशु मेले में एक ध्यान आकर्षित करने वाला एक बिग बुल दिखाई दे रहा, एक विशाल काय भैंसा। और उस भैंसे का क्या परिचय है, क्योंकि यहाँ पर होता है बिग बुल्स कॉम्पिटिशन। जो भैंसे हैं, जो विशाल काय हैं और अच्छी नस्ल से हैं, अच्छी कद काठी से हैं, उनका एक शानदार कॉम्पिटिशन होता है और उस कॉम्पिटिशन में वो जीतता है, वो विनर कहलाता है। और इस विनर कॉम्पिटिशन के लिए विनर बनने की चाहत से एक विशाल भैंसा यहाँ पर आया हुआ है। मैं परिचय पहले उनसे लूँगा, ये लोग कहाँ से हैं और इस भैंसे का क्या परिचय, वो भी हम लेंगे। नमस्कार, कहाँ से हैं, नाम बताइए। मेरा नाम भंवरलाल तांडी है, मैं गांव सरगे कला तहसील पिपाड़ साइड जिला जोधपुर से हूँ। अच्छा, और इसका ये नाम केसर है। केसर, अच्छा अच्छा। और ये कौन सी लाइन से है? ये मुरा ब्रीड का है। अच्छा, और अभी इसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लेके आए। नहीं, ये मतलब जैसे कोई स्पेशली जो विनर लाइन से है क्या, कोई विनर जो जीता हुआ है पहले से? हाँ, इसका जो बाप है वो ऑल टाइम चैंपियन रहा है, काफ़ी समय मतलब 4-5 बार नागौर मेले में भी रहा है, पुष्कर मेला भी जीता रहा है, PDFA रहा है, देहरादून PDFA में रहा है काफ़ी बार। कौन, क्या नाम से? नाम उसका भीम है। भीम, बिल्कुल, आप भी जानते होंगे, नाम आपने सुना होगा भीम। अपनी विशाल काय कद काठी से बार बार विनर रहने वाला और आज तो बड़े बड़े कंपटीशन में वो चीफ गेस्ट के रूप में आता है। और इस चीफ गेस्ट का ये भीम का बच्चा है और भीम का बच्चा आज इस मैदान में आया है। नागौर के पशु मेले से ही भीम एक दिन विनर होकर के आगे बढ़ा था और फिर जीतता ही चला गया था। हाँ। तो आज आप किस भावना के साथ आए हैं? बस यही उम्मीद है जी कि बाप की तरह ये भी उसके विनर बने। हाँ, विनर बने। तो इसके लिए आपने ये जैसे बचपन से इसको छोटे से पाड़ा है या खरीदा है? नहीं, छोटे से पाड़ा है, घर पे ही पाड़ा है। अच्छा, अभी तो छोटा ही है, 2 दांत की है, मतलब 28 महीने का है। अच्छा अच्छा, अभी छोटा ही है, और ग्रोथ करेगा। अभी इसकी जैसे आपने अंदाजा लगाया कितने हाइट है, क्या लंबाई वगैरह इसकी? हाइट 61 इंच है। 61 इंच हाइट है। यहाँ एकदम अपन सर से नापेंगे तो? हाँ, यहाँ से, यहाँ से, हाँ यहाँ से नापेंगे तो 6 फुट होगा। अच्छा, ये हाँ। ये और लगभग 1 फुट के लगभग और ऊपर हो गया। हाँ, जब सर ये ऊपर करता है। हाँ, तो ये 1 फिट तो और ऊपर हो ही जाता है। अच्छा अच्छा, तो इसको तैयार किस तरह करा आपने? तैयार बस यही है, इसकी वॉकिंग वगैरह, इसकी डाइट है जो डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं उस हिसाब से। जैसे क्या डाइट होती है? ये नॉर्मल केटल फीड जो उसका बैलेंस डाइट का बैलेंस रखते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह उसका जो है उसके हिसाब से, ज़्यादा फैटी भी नहीं हो और ग्रोथ भी अच्छी हो। तो आज जो है विनर बनने के लिए, विनर बनने की सोच के आए हैं? हाँ जी, जीतेंगे कॉम्पिटिशन। हाँ, तो ये आप बताएंगे इसमें जैसे ये मुर्रा नस्ल है। हाँ, ये प्योर मुर्रा है। हाँ जी, तो इसमें जैसे मुर्रा में जैसे खासियत इसकी जो आप बताएंगे कि ये जो इसमें जो है जो सींगों की या क्या जो खासियत है? सींग एकदम रिंग की तरह गोल होते हैं। अच्छा, अभी ये छोटा बच्चा है, यदि पूरा मैच्योर होगा ना तब ये पूरे रिंग हो जाएगी ऐसे गोल। अच्छा, और गर्दन पतली होती है, पूरा ये टच हो जाएगा यहाँ। हाँ, गर्दन पतली होती है, स्किन भी मतलब एकदम पॉलीथीन की तरह। कितनी है जैसे? देखो ये, देखो ये, आप इनकी लंबाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आपने ये कितना आपका लगभग 2 मीटर तो हो ही गया होगा आपका ये लंबाई। हाँ, अभी इसकी कितनी लंबाई है टोटल? अब क्या पता, ना कभी ना नहीं आपने। अच्छा अच्छा, तो अब अभी आज जैसे यदि विनर बनता है। हाँ, मान लो जीतता है। हाँ, या आप केवल कंपटीशन के लाए हैं, मेरे कहने का मतलब या आगे आगे आपका क्या रहेगा? इसको ये कंपटीशन के लिए शौक से पढ़ा, इसको बेचने का ऑर्गन नहीं, बेचने का इरादा नहीं है। बिल्कुल नहीं बेचेंगे, बिल्कुल चाहे जीते चाहे हारे। हाँ, रखेंगे अपने पास ही, लगा हुआ है, शौक से रखा हुआ है। आज नहीं कल जीतेगा है? हाँ, फिर ये पहली बार रिंग में आया क्या? हाँ, पहली बार आया अभी तो। पहले किसी भी रिंग में? ये पहले नागौर में आया, पहली बार, पहले कभी किसी रिंग में नहीं पहले नहीं। अच्छा, इसलिए आज इसका जो है परीक्षा होगी, मैदान में उतरा है अब। क्यों मैदान में उतरा है, अब जीतेगा तो विनर बनेगा, विनर बनेगा तो फिर इसकी जो है कीमत भी होगी, कीमत के अनुसार। परंतु आप कह रहे हैं मैं तो बेचूंगा ही नहीं। हाँ नहीं, बेचने वाला फर्स्ट टेस्ट है इसका। फर्स्ट टेस्ट है इसका, घर से पहली बार निकाला इसको आज। हाँ, नहीं देखो ऐसा है, बेचने का ऐसा है, कीमत अगर शानदार कीमत हो तो फिर बिक जाता है। नहीं बेचने का नहीं, अभी कुछ ऐसा, अभी ऐसा कुछ प्लान नहीं है, ब्रीडिंग का ही है। ब्रीडिंग का प्लान है, ब्रीडिंग का प्लान है, नस्ल सुधार का प्लान है। बिल्कुल, नस्ल सुधार के प्लान के साथ आए हैं। और मैदान में जब ये आएगा, रिंग में उतरेगा, तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन जीतता है, कौन मैदान मारता है। बाकी जो एवरग्रीन जो चैंपियन, लंबे समय तक जो चैंपियन रहने वाला भीम है, भीम का बेटा आज नागौर के रिंग में
मैदान में आया है, देखते हैं क्या होता आगे।